Sir, what is your intention in filing PIL against the government of Arunachal Pradesh? You have not separated even your own brother, Honorable ex Chief Minister Mr. Navin Tukey. What happened to that case? Please, is pe aapka kya jawab hai, sir? Good morning. मैं अरुणाचल जस्टिस फोरम की ओर से प्रेसिडेंट होने के नाते मैं नाबम तागम मैं आपका ये सवाल को मैं जवाब देना चाहता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश में जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है और जो भी सिस्टम का अगेंस्ट में जो हो रहा है तो इसका खिलाफ में मेरा फाइट है। मैं ना इसमें किसी का इंडिविजुअल में मेरा कोई भी फाइट नहीं है। जो डेमोक्रेटिक सत्ता में जिसके लिए लेजिस्लेशन बना के रखा है इन इसका फेवर में हम फाइट कर रहा हूँ और भ्रष्टाचार का खिलाफ में फाइट कर रहा हूँ। ये मेरा कहने का है। और इसमें नाबम टुकी का जो सिलसिले में लेके मैंने एक फुआइल फाइल जरूर किया था 2006 में। इसमें मैं कौन होता है मैं नाबम टुकी को केस फाइल करने वाला। मैं एक डेमोक्रेटिक सेटअप होने के नाते एक सिस्टम का अगेंस्ट में फाइट किया था और मैं उस समय में नाबम टुकी ने पीडब्ल्यूडी मंत्री था। मैं पीडब्ल्यूडी मंत्री का चेयर को ही मैंने फाइट किया था और उसमें सिस्टम का अगेंस्ट में हम फाइट किया था। जो सिस्टम ट्रैक का बाहर हो रहा था उसका अगेंस्ट में फाइट किया था। ये मेरा कहने का मन। तो सर हाँ सेकेंड हाँ क्वेश्चन रहेगा कमिंग टू योर हाँ रिसेंटली पी आई ए अगेंस्ट दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मिस्टर पेमा खांडू ऑन द 14th December 2021 व्हाट आर द मेजर एलिगेशन व्हिच यू हैव सबमिटेड बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मैं फिर से अरुणाचल वासी और ये देशवासियों को मैं ये बताना चाहूँगा जिस पीआईएल में मैंने फाइल किया है उस पीआईएल में ये एलिगेशन है जो उसका इनका इलेक्शन एफिडेविट में जो डिसप्रोपोर्शनेट एसेट जो उन्होंने क्रिएट करके रखा है उसको पोल्स डिक्लेरेशन किया गया है। उन्होंने अपना डिसप्रोपोर्शनेट एसेट का बारे में कुछ भी नहीं बोला। जो कुछ भी कहा है वो पोल्स है और इस एफिडेविट के हिसाब में वो उन्होंने ये नहीं कहा कि उन इतना करोड़ों रुपया 100 करोड़ों से भी ज़्यादा रुपया कौन सोर्स से आपने कलेक्ट करके और उसे आपने बिजनेस करके ये 100 से भी ज़्यादा करोड़ रुपया आपने एफडी करके रखा है इसका बारे में मैं सुप्रीम कोर्ट में डाला। और जो सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन एफिडेविट में जो सरकार को या इलेक्शन कमिश्नर को जो मिसलीड किया है इसका खिलाफ में हम फाइल किया था। और उन्होंने ये भी कहा है कि सब लोग ये कहा है कि वो डायनेमिक बोलता है। अच्छा जिस दिन उन्होंने उनका पिताजी ने जो पावर मिनिस्टर था उस समय से लेके और जब मुख्यमंत्री था उस समय से लेके 142 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट साइन किया गया है और उसका खिलाफ में भी हम एक पीआईएल तो जरूर 2007 में फाइल किया था जिसमें हमने ये क्लेम किया था कि आप सेंट्रल इलेक्ट्रिकल अथॉरिटी का जो नियम है उसको उल्लंघन करके आपने कैसा किसी इंडिविजुअल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डेवलपर्स लोग को आपने कॉन्टेक्ट दे दिया विदाउट एडवर्टाइजमेंट में आपने सारा आदमी से पैसा कलेक्ट करके आपने दे दिया जहाँ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्लियरेंस इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जो लेना चाहिए था वो भी नहीं लिया। और जिस बस्ती से जो नदी पानी और पहाड़ मिट्टी का मालिक का आपने किसी ट्रेडिशनल जो ट्राइबल राइट जो दिया गया इन्होंने किसी से कंसल्ट नहीं किया। आपने जहाँ तहाँ मन मर्जी अपना पिताजी का प्रॉपर्टी जैसे आपने साइन करके दे दिया और इसमें हमारा इन्वायरमेंटल इफेक्ट कितना होगा
किसने कोई अंदाज नहीं किया, इसलिए इसीलिए मैंने एक पीआईएल तो जरूर फाइल किया था, लेकिन उसका बाद 142 ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट साइन किया उसमें 50,000 मेगावाट अनुमान लेके साइन किया था, लेकिन आज देखा है कोई भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डेवलपर्स लोग अरुणाचल में आके कोई भी काम करने का तैयार नहीं है, ये क्यों? और आज अरुणाचल वासियों आप लोग सुनिए, जनता, माँ पिताजी भाई बहन, जितना भी छात्रों छात्राएं, जितना भी इधर का एनजीओ लीडर लोग, आप लोग सुनिए, हम अरुणाचल वासी जरूर हैं और इंडियन सिटीजन नागरिक होने का जरूरी है, लेकिन हम लोग सब मॉर्गेज में हैं। आप कल को बिडिंग बांध के आप लोगों को कोई भी आपको कौन देश में भेज देगा कोई अंदाज नहीं है। हम लोग अभी मॉर्गेज में है, सारा हमारा अरुणाचल वासी लोग सब मॉर्गेज में है। वो किसका मॉर्गेज में है? एक मुख्यमंत्री का फैमिली, दोर्जी खांडू का फैमिली, पेमा खांडू का फैमिली का हाथ में हम लोग सब मॉर्गेज करके रखा है। आप कल को अपना पानी मिट्टी पहाड़ चढ़ के जाना पड़ेगा, कोई दूसरा आदमी ले लेगा, ये आप लोग याद रखिएगा। सर, इरिगेशन इन पीआईएल लाइक डीपीएस स्कीम, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ट्रांस हाईवे, उसके बाद है पीएमजीएस वाई स्कीम भी है, और उसके साथ में जो है जो मतलब कैंपा फंड का भी है, तो सर इनके बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए। ये मेरा जो WPC में मैंने ये दाखिल किया था, जो पहले जो मैं बोल चुका है कि डिसप्रोपोर्शनल एसेट का बारे में मैंने बोला है, और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रैम्पेंट करप्शन जो हो रहा है इसका बारे में मैंने बोला है, और जो SPA बोलता है, स्पेशल प्लान असिस्टेंट जो बोलता है, ये सारा का सारा MLA, सारा का सारा जो अपना पेवरिज्म करके जहाँ में जो ज़रूरत होना चाहिए तो उसमें स्कीम नहीं लगा के अपना मन मर्जी से करोड़ों रुपया स्कीम लगा के 2016 से लेके आज तक ये स्टेट गवर्नमेंट का जो एक्सचेकर से पैसा को लूट रहा है, ये मेरा एलिगेशन है, और सारा एलिगेशन को मैंने PIL का जो कॉपी में ऑलरेडी इंक्लोज किया गया है। और देखिए, और एक तो इंटरेस्टिंग बात यह है, ट्रांस अरुणाचल हाईवे ये जो कांग्रेस UPA सरकार का समय का ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें भी वो खुद अपना कॉन्ट्रैक्ट लेके उसमें भी बहुत सा करोड़ों रुपया का काम कर रहा है अपना खुद। चार नंबरी में ये हम बोलना चाहता है कि प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण सड़क योजना, इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पॉलिसी का हिसाब से हर बस्ती में जहाँ में रोड नहीं है, रोड कम्युनिकेशन नहीं है, उसमें गवर्नमेंट का ये पॉलिसी का हर बस्ती में सबका लिंकिंग रोड होना चाहिए। लेकिन इसमें अरुणाचल में क्या हो रहा है, जहाँ में ऑलरेडी PWD ने रोड बना के रखा है, उस रोड का ऊपर में और एक स्कीम PMGSY के नाम में और एक स्कीम लगा के, एक स्कीम लगा के हर क्षेत्र में, हर MLA का कंस्टिट्यूंसी में, जहाँ में ऑलरेडी PWD ने रोड बना चुका था उसमें ओवरलैपिंग करके स्कीम लगा के पैसा को लूट के खा रहा है। ये मॉनिटरिंग टीम कहाँ गया, सेंट्रल का मॉनिटरिंग टीम कहाँ गया, ये सब मिला हुआ है। प्राइम मिनिस्टर, आप उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोल दीजिए। ये सारा का सारा अरुणाचल में ऐसे ही हो रहा है, ओवरलैपिंग सिस्टम, और जहाँ में ऑलरेडी CRF का रोड बनाया, RIDF का थ्रो से पान से भी रोड बना चुका था, नाबार्ड से भी रोड बना चुका था, और सारा अरुणाचल जो प्रोजेक्ट, जो रोड का प्रोजेक्ट है, पहले तो PWD ने सारा लिंकिंग रोड बना चुका था, उसमें ओवरलैपिंग करके ये स्कीम घोटाला चल रहा है। और सिर्फ वो ओवरलैपिंग घोटाला सिर्फ नहीं है, ये हो रहा है कि अपना वाइफ का नाम से, अपना कंपनी का नाम से प्रोजेक्ट को लेके खुद चीफ मिनिस्टर, वो पेमा खांडू खुद चीफ मिनिस्टर का फैमिली का नाम से, या भाई का नाम से, बहन का नाम से, या उसका एसोसिएट का नाम से, फार्म का नाम से, कंपनी का नाम से काम लेके कर रहा है हर डिस्ट्रिक्ट में ये कर रहा है। ये मेरा एलिगेशन है, उसको इन्वेस्टिगेशन जब तक नहीं होगा ये अरुणाचल, ये जो विकास जो नहीं होगा।
ये है पीएमजी का। और इसमें एक तो देखिए जो कैंपा कैंपा बोल के कॉम्पेंसेटोरी एफोरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग जो इस एक्ट है उसका तहत में ये जो सरकार ने बहुत करोड़ रुपया थाउजेंड करोड़ रुपया अरुणाचल के लिए दिया है। क्या के लिए दिया है? जहाँ में रोड कम्युनिकेशन ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जहाँ में डिफोरेस्टेशन हो गया उसका रिप्लेस करना है, फिर से एफोरेस्टेशन करना है। आप देखिए सेंट्रल मॉनिटरिंग टीम आके और सीबीआई आके देखिए कहाँ में गाछ लगाया उसका बदली। रोड एवेन्यू कैपिटल में भी रोड एवेन्यू एक भी गाछ नहीं, और जहाँ में ट्रांस अरुणाचल हाईवे उसमें भी एक गाछ भी नहीं लगाया। तो ये पैसा कहाँ गया? उसका पैसा को उल्टा यूनिफॉर्म लेके घूम रहा है, स्कूल यूनिफॉर्म फॉरेस्ट में क्या स्कूल यूनिफॉर्म होता है क्या? तो जहाँ में जो कैंपा का स्कीम को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में घोटाला करने के लिए उसको डाइवर्ट करके कर रहा है, क्या ये मेरा ड्यूटी है क्या इन्वेस्टिगेशन करना? ये तो सीबीआई का ड्यूटी है, एसआईसी का ड्यूटी है, एसआईटी का ड्यूटी है, और सरकार उसको जो भी अगर कॉन्टेक्ट लिया या जिसको काम दिया उसको इन्वेस्टिगेशन करना है, मॉनिटरिंग करना है। ये नहीं हो रहा है, खुद कॉन्टेक्ट हो रहा है, खुद काम कर रहा है, ये क्या है? ये घोटाला नहीं तो वो क्या है? ये है कैंपा का बारे में। और ये एक तो है स्पेशल, आपको मैं ये भी एक मैसेज बताना चाहूँगा। ये जो गवर्नमेंट लैंड इंक्रोचमेंट हम देखा है, दिल्ली देखा है, बॉम्बे देखा है, और दूसरा स्टेट में भी देखा, गुवाहाटी देखा, शिलोंग देखा, जहाँ में सरकार का लैंड है उसको कोई इंडिविजुअल नहीं लेता है, और अगर कोई इंडिविजुअल अगर लेगा तो उसको तुरंत सरकार की तरफ से एक्शन लिया जाता है। लेकिन अरुणाचल में क्या है, चीफ मिनिस्टर से लेके, मंत्री से लेके, एमएलए से लेके, ऑफिसर से लेके, टेक्नोक्रेट्स ब्यूरोक्रेट से लेके, सरकार का क्वार्टर को रातों रात जेसीबी लगा के पोकलैंड लगा के उड़ा देगा, और दो दिन का बाद बिल्डिंग पांच महल का बिल्डिंग हरा कर देता है। ये स्कीम नहीं है तो ये क्या है? सारा अरुणाचल का सरकार एम्प्लॉय कहाँ में रहेगा? और इसमें ये भी मेरा क्लेम है कि 500 बेडेड का रेफरल हॉस्पिटल का बारे में भी उसमें सुप्रीम कोर्ट में मैंने डाला है, जहां में 500 बेडेड हॉस्पिटल बनाना चाहिए था और लैंड एक्विजिशन करके उसको कंपेंसेशन भी पेमेंट कर चुका था, जिसमें ऑनरेबल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एल के अडवाणी ने, ये जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार समय में आके इनोग्रेशन फाउंडेशन लेट किया था, उस जमीन को भी सरकार ने यूज नहीं करके, उसको यूटिलाइजेशन नहीं करके इंडिविजुअल को दे रहा है फेवरिज्म करके। ये घोटाला नहीं तो ये क्या है आप बताइए? और अभी 500 बेडेड को हॉस्पिटल बना रहा है, जहाँ में बॉय हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, जहाँ में स्टाफ के लिए बनाना चाहिए। इमीडिएटली मैं ये चाहता है इसको लैंड एक्विजिशन को जल्दी से जल्दी एवेक्शन करके उसमें इस्टाब्लिश करना चाहिए। इसीलिए ये मेरा पब्लिक इंटरेस्ट के लिए मैं फाइट कर रहा हूँ। आप देखिए मेरा कोई इंडिविजुअल इंटरेस्ट है क्या इसमें? मैं इसे 500 बेडेड रेफरल हॉस्पिटल का अंदर में क्या ना हम एक मीटर का माटी ना नौकरी ढूंढ रहे हैं, ना इसमें हम एक मीटर माटी चाहिए बोल के, ना ये बनाना है बोल के मेरा पाइट ये है। जनता ये समझना बहुत ज़रूरी है। और ये जो है सब लोग बोलता है पीडीएस 1000 करोड़ पीडीएस स्कीम, लेकिन ये भ्रष्टाचार लोग कहाँ गया? आज तक किसी को अरेस्ट नहीं किया, जेल में किसी को नहीं भेजा। इसीलिए नहीं भेजा है खुद प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर, ये भी 21 नंबर 43 आपने खुद सीबीआई को 2017 में बोला था सीबीआई को केस को दे देगा, आज तक कहाँ दिया है? सीबीआई अगर आ जाएगा तो खुद को पकड़ लेगा, इसलिए नहीं दिया है। आप हिम्मत है तो देना चाहिए, क्यों नहीं देना है? और पीडीएस स्कीम जहाँ में हो रहा है उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्वमेंट है, चीफ मिनिस्टर लेके मंत्री से संतरी तक इन्वॉल्वमेंट है, पियोन से लेके पूरा माने चीफ सेक्रेटरी तक इन्वॉल्वमेंट है। इसको आप इन्वेस्टिगेशन करने क्यों नहीं दिया? ये मेरा कहने का बात, वो खुद 43 नंबर 21 में है। और देखिए ये SGRY का केस लेके
SGRY केस लेके 68 करोड़ जहां में मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है, इस मिस अप्रोप्रिएशन का केस में प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू, ही इज द रेस्पोंडेंट नंबर 11 एंड रेस्पोंडेंट नंबर 8, 9, 10, 11, 12 ऑल आर देयर फैमिली मेंबर्स, जहां में उसका आर्दिक केरिज वाइफ ऑफ लेट दोर्जी खांडू ने वो 68 करोड़ का जो SGRY में जो PDS आइटम को जो रेशन एसेंशियल रेशन कमोडिटी सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, फेक टेंडर करके टेंडर में भी देखिए टेंडर किया बोल के कागज शो किया, लेकिन कौन सा पेपर में आपने पब्लिश किया, कौन सा पेपर में पब्लिश किया? तीन तो फार्म में अपना ये जो तीन तो आदमी सेलेक्ट करके चुपचाप रातों रात 12 बजे रात में अपना टेंडर को अपना बंद कमरा में बनाया और कॉन्टेक्ट का नाम से कॉन्टेक्ट लेके अभी पब्लिक को गुमराह कर रहा है। ये सब सारा डॉक्यूमेंट्स मेरे पास में है, आप लोग जो जो चाहिए तो मेरा पास आके ले लीजिए। और देखिए सिर्फ SGRY का बात नहीं है, उसमें सारा का सारा इवन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का अंदर में फैक्ट्री लगा के रखा है, उसमें अपना वाइफ का नाम एक कंपनी लगा के रखा है, वाइन फैक्ट्री लगा के रखा है। ये आदमी को तो कोई भी भरोसा नहीं कर सकता है। अरुणाचल छोड़ के जल्दी से जल्दी अरुणाचल से चला जाएगा, आप लोग सब होशियार हो जाइए अरुणाचल वासियों, ये अपना प्रॉपर्टी आज तक और ये ईटानगर में क्यों घर नहीं बना रहे हैं? अपना पिताजी का घर सिर्फ है और जहाँ जितना भी प्रॉपर्टी बना रहा है तवांग में बना रहा है, 5-स्टार होटल बना रहा है, बॉम्बे में बना रहा है, मलेशिया में बना रहा है, रशिया में बना रहा है, इवन चाइना में भी बना रहा होगा, कौन पता है। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं करने से तिब्बत में बना रहा है, जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं करने से उसका डिसप्रोपोर्शनल एसेट को क्या नाबम तागम एक सोशल एक्टिविस्ट होकर हम इन्वेस्टिगेशन करना है, ये कोर्ट का जज का आदेश का हिसाब से होगा, कोई इंडिविजुअल इसमें ऑर्डर नहीं कर सकता है। ये है मेरा जो एलिगेशन कहने का है। सर, बट इन सोशल मीडिया देयर इज इन द सर्कुलेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दैट योर PILA अगेंस्ट द मिस्टर पेमा खांडू हैज बीन डिसमिस एंड योर PILA हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ। तो मतलब काफी लोग मतलब सोशल मीडिया में ऐसे मतलब वायरल हो रहा है कि आप जो है डिस्पोज हो गया है जो मतलब आपका जो हत्याएं है, तो सर इनका ऊपर आपका क्या राय है? मैं इनका ऊपर में जो कोर्ट का बारे में मैं चीफ जस्टिस का ऊपर में मैं कुछ भी टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा, लेकिन जिस दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस ये ऑर्डर को पास किया था उस समय में हम खुद कोर्ट में था, पेमा खांडू ने तो कोर्ट में नहीं आया था। और कौन सा मीडिया ने ये सब फेब्रिकेटेड बेसलेस न्यूज़ बना के घूम रहा है वो बाद में अपना से खुद अपना पाँव में खुद कुल्हड़ी मारेगा। इट इज़ अमाउंटिंग टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर ये मेरा केस को जजमेंट कर दिया है तो ये अरुणाचल जो जनरल होता है ना एडवोकेट जनरल स्टैंडिंग काउंसिल ऑफ इंडिया क्यों स्टेटमेंट नहीं दे रहा, और ये जो चीफ मिनिस्टर का CMO ऑफिस है ऑफिशियल क्यों नहीं, उसको स्पोक्स पर्सन क्यों नहीं बोलते हैं? कोई एक फेब्रिकेटेड फॉल्स न्यूज़ बना के घूमने उसको क्या हम मान सकता है? ये है असली बात, मैं अभी आप लोगों को बताना चाहूँगा। ये हमारा केस का नंबर है WPC 165/2021। ये है हम लोग का WPC केस, मेन केस है, और उसका बीच में जल्दी केस को हियरिंग करना है, जल्दी केस को सुनवाई होना है बोल के मैंने एक IA और डाल चुका था। मेरा मेन केस में ये प्रार्थना था प्रियर था कि CBI से जल्दी जांच हो जाए, जो पेंडिंग 15-10 साल से जो पेंडिंग में है, इसीलिए मैं फाइल किया था कि केस को जल्दी सुनवाई हो जाए। अरुणाचल जस्टिस फोरम की ओर से हम फाइल किया था, उसका सुनवाई जो 29 अप्रैल में होके हमारा केस का बारे में क्लब हो चुका था, जहां में पुराना केस पेंडिंग था
पुराना केस जो पेंडिंग वाला जो है 31233 of 2010 फाइल बाय वन राहुल अग्रवाल एंड SLP नंबर 14395/2010 ये भी एक वॉलंटियर अरुणाचल सेना ने फाइल किया था, जहां में जो एलिगेशन था। ये केस भी तो बहुत बार सुनवाई हुआ है, सुनवाई होके फाइनल ऑर्डर देने के लिए बाकी है अभी। और मेरा जो उस दिन जो केस डिस्पोज ऑफ किया है, ये केस नंबर है IA नंबर 59851 of 2021, जहां में एक एडिशनल एफिडेविट दिया था, जिसमें हम इंट्रिम प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए हम लोग मांग किया था। लेकिन 14 तारीख में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा कि ये इंट्रिम प्रेयर का कोई जरूरी नहीं इस वक्त, जब हमारा असली PIL का जो मेन हियरिंग होगा 3 जनवरी 2022, उसमें हमारा सुनवाई होगा बोल के ये हमारा जो एडिशनल एक तो एफिडेविट दिया था उसको डिस्पोज कर दिया। ये डिस्पोज कर दिया, इसमें कोई जजमेंट नहीं दिया कि इतना के एलिगेशन ये राइट है रॉन्ग हो, उसका बारे में नहीं दिया है। हमने CBI का जज आदेश जरूर मांगा था, लेकिन उस सुनवाई को ये में होगा, मेन केस का हियरिंग में होगा बोल के ये हमारा आदेश दिया था। हम अभी देखा है कि सोशल मीडिया में ये हो गया वो हो गया, दुनिया भर का बात कर रहा है, ये फॉल्स हैं। हमारा एडवोकेट ने ऑलरेडी उस दिन सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी स्टेटमेंट दे दिया कि 3 तारीख में उसका सुनवाई होगा, और इसमें फेब्रिकेटेड न्यूज़ लगा के अपना नाम को कमाने के लिए न्यूज़ बना के घूमने से नहीं होगा। दैट इज अमाउंटिंग टू द कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। लेकिन अभी अमाउंटिंग टू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को किसका ऊपर में लागू होगा? चीफ मिनिस्टर का ऊपर में ही लागू होगा। आपने ऐसे न्यूज़ किस लिए बना के घूम रहा है? चीफ जस्टिस ने तो ये नहीं कहा, ये जजमेंट पास नहीं किया अभी तक। ये है मेरा कहने का मतलब। सर, डू यू थिंक दैट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मिस्टर पेमा खांडू इज यंग डायनेमिक एनर्जेटिक यंग चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश हु हैज द पोटेंशियल टू सर्व आवर स्टेट, तो सर इनका ऑफिसर आपका क्या है? जवान जरूर है, पेमा खांडू जरूर है जवान, वो हम मानता है जरूर जवान है। और डायनामिक किसको बोलता है? डायनामिक जिसको बोलता है जिसका ऊपर हर चीज़ टिक टाक हो। सिर्फ पैसा होने से डायनामिक नहीं हो सकता है। अगर वो डायनामिक है तो हम सोशल मीडिया में देखने को मिला है, इवन सुप्रीम कोर्ट में ने ये जो रेप का केस में कैसे वो उधर में उसका आरोप है, आज तक जांच होने नहीं दिया, वो कब्जा करके रखा है, कोर्ट को भी कब्जा करके रखा है, पुलिस को कब्जा करके रहे हो, कैसे डायनामिक हो सकता है? आप सब देखिए, यूट्यूब में देखिए, सोशल मीडिया में देखिए, उसका आरोप चल रहा है, ये कैसे ये जो डायनामिक हो सकता है? पैसा आपका पास जरूर है, क्योंकि पैसा कहाँ से आया? हमारा हाइड्रो पावर से लूट के रखा है। 1 मेगावाट को 12 लाख रुपया करके चार्ज करके 50,000 मेगावाट इंटू करके देखो कितना करोड़ मालिक होता है। ये किसका पैसा है? जनता का पैसा है, आपको कल वापस करना ही होगा। ये जिसका नदी का मालिक बस्ती का गांव का आदमी मुखिया लोग को आप पैसा को वापस कर देना ही पड़ेगा, ये है। और ये जो डायनामिक वोट जो हमने कहा है, आप सिर्फ भ्रष्टाचार में सिर्फ ये जो रेप में आरोप सिर्फ नहीं है, आप देखिए आपका तवांग में कितना आदमी लोग को फायरिंग कर दिया हा? जो जहाँ में हाइड्रो पावर प्रोटेस्ट कर रहा था कि अपना अपना इलाका को अपना फॉरेस्ट लैंड राइट को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर, उन लोगों को दो दो आदमी को फायरिंग में ओपनली फायर करके मरवा दिया। ये क्या डायनामिक हो सकता है हा? और लेट काली को पोल को आपने चीटिंग बात करके एक ही रात में अपना दोस्त को पाल्टी करके मरने दिया, ये कैसे डायनामिक हो सकता है? और आपने सारा का सारा हिंदुस्तान ये जो हमारा अरुणाचल जनता का पैसा को लूट के खा रहा है, ये कैसे डायनामिक हो सकता है? हम कभी डायनामिक नहीं मानेगा। आप यंग हैं इसलिए गलत ज़्यादा कर रहा है, आप यंग हैं हम उसको सिर्फ मानेगा, पैसा है उसको भी हम सिर्फ मानेगा, क्योंकि हमारा जनता का पैसा को लूट के रहा उसको भी हम मान लेगा, लेकिन उसको भी आप हिसाब देना पड़ेगा, ये है।
सर देयर आर लॉट्स ऑफ कमेंट इन सोशल मीडिया दैट यू आर वर्किंग फाइलिंग केस अगेंस्ट द मिस्टर पेमा खांडू ऑन द बिहेफ ऑफ द सम पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंडिविजुअल्स हु आर फंडिंग यू. इज दिस ट्रू और फॉल्स सर? देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का एसोसिएट भी नहीं है, पॉलिटिकल मेंबर भी नहीं है, ना मैं बीजेपी में मेंबर हूँ, ना कांग्रेस में मेंबर हूँ, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी का साथ मेरा कोई एसोसिएटेड नहीं है. फॉर लास्ट 20 to 25 years आई हैव बीन फाइटिंग, और मैं पिछले 20 और 25 साल से ये सोशल एक्टिविस्ट बन के मैं पब्लिक का ये जो नज़र में और पब्लिक का सामने में ये अपना कदम पे कदम हर चीज़ को लेके जो भ्रष्टाचार का खिलाफ मैं फाइट कर रहा हूँ, और उसमें पांडिंग पार्टी बिहेज का उसमें कोई सवाल ही फायदा नहीं है. आप अगर बीजेपी है आप अपना पॉलिटिक्स करो, आप कांग्रेस है तो अपना कांग्रेस का काम करो, हम सोशल एक्टिविस्ट हम अपना काम करेगा, उसमें कोई पांडिंग का बात कहाँ से आ रहा. और देखिए, और एक बात है, अगर उस दिन हमको सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया बोल के मुझे सिडिशन एक्ट में डाला है, सिडिशन एक्ट में डाल के मुझे चाकी पीसने के लिए सेंट्रल जेल में भेज दिया था. 28 days हम 14 days ये में कस्टडी में था, पुलिस कस्टडी में था, 14 days हम ये में था जुडिशल रिमेन में सेंट्रल जेल में था. मैं उसमें इसलिए जेल में बैठा था कि उन्होंने रूल का उल्लंघन करके मुझे उसमें फंसाया दिया था. तो उसमें हम कानून को जरूर रेस्पेक्ट जरूर करेगा, कानून जो बोलेगा हम जरूर ये करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो कानून का बाहर से हम कुछ काम नहीं कर सकते हैं, वही है. और फंडिंग का जो लेके उसमें जिस दिन हमको अरेस्ट किया था, मेरा एक अकाउंट है, उस अकाउंट को फ्रीज किया, सीज किया, जहाँ में SIT ने 420 रुपया ही मिला है, 420 रुपया आज तक कोई भी देख सकता है. मैं अकाउंट नंबर सोशल मीडिया में भी दे दूंगा, कोई भी जाके मेरा अकाउंट को देख सकता है. तो उसमें फंड कहाँ से आएगा, ना हम ऊपर से ये जो बारिश जैसा पैसा को लेके हम रखेगा क्या, कहाँ में हम पैसा लेके, एयरपोर्ट में भी जा एक्सरे करके देखो हम कहाँ से पैसा लेगा, जहाँ से हम घूमता है हमारा बिना ATM से हम घूमता है. तो पानी होने का उसमें सवाल ही पैदा नहीं. लेकिन ये मैं जरूर बात कहूँगा, मेरा इस करप्शन का फाइट में अगर आप कोई भी अगर मुझे मदद करेगा, मुझे अकाउंट नंबर मांग लीजिए, तो हम एक अकाउंट ओपन करके उसमें जो भी आप लोग चाय पानी पीने के लिए अगर हमको साथ देगा, ट्रेन का भाड़ा देगा, बस का भाड़ा देगा, टैक्सी का भाड़ा देगा, ऑटो का भाड़ा देगा, हम जरूर उसको एक्सेप्ट करेगा. लेकिन कोई है तो सामने में आइए, कोई आता नहीं है तो हम पान कहाँ से लाएगा. बात यह है, ये हमारा अरुणाचल में एक आदत है किसी का ऊपर में ब्लेम डालने. लेकिन अपना खुद जांच कीजिए, हम कभी किसी का आरोप नहीं गलत नहीं लगाता है, हम सबूत का साथ में बात करता हूँ. लेकिन जिसने हम सोशल मीडिया में या कोई हम हमारा ऊपर में अगर आरोप लगाता, आप रिटर्न में दो, आप लिख के दीजिए, लिख के तब हम मानेगा, हाँ आपने ये दिया है बोल के हम मानेगा. लेकिन आप नहीं रिटर्न में नहीं देगा, आप मुंह में सिर्फ बोल के हवा में फूकेगा, हो हम नहीं मानेगा. सर, इफ यू प्रूव विन द करप्शन केस अगेंस्ट मिस्टर पेमा खांडू, व्हाट विल बी योर डिमांड एंड व्हाट काइंड ऑफ द कम कंपेंसेशन यू विल सीक फ्रॉम द अरुणाचल सीक फ्रॉम द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश इफ ही डज नॉट रिजाइन ऑन द मोरल ग्राउंड? ये देखिए, ये ऐसा है, एक डेमोक्रेसी कंट्री इंडिया एक गणतांत्रिक देश है, तो उसी में सबका नेता बनने का राइट होता है. ये राजा सिस्टम नहीं है हमारा अरुणाचल में या इंडिया में, ये देश ऐसे हैं. तो अगर पब्लिक उसका ऊपर में कॉन्फिडेंस लॉस होता है या उसका ऊपर में इतना भ्रष्टाचार के आरोप में है, वो खुद ब खुद रिजाइन देना चाहिए, कोई भी उसको रिजाइनेशन नहीं मांगना चाहिए, वो खुद इस्तीफा देना चाहिए मॉरल ग्राउंड में. ये है हमारा डेमोक्रेटिक का नियम है. और वो उन्होंने ये भी करना चाहिए, CBI को खुद इन्वाइट करना चाहिए,
एसआईटी को तो ये स्टेट गवर्नमेंट का है न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को इनवाइट करना चाहिए। अगर उस आरोप में अगर वो दोषी नहीं मिलता है, हाँ वो फिर से लीडर बनने का उसका राइट है, ये है डेमोक्रेसी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, मेरा ऊपर में कोई भी आरोप नहीं होना चाहिए, पैसा डाल दो। मेरा ऊपर में कोई रेप केस नहीं होना चाहिए, पैसा डाल दो। मेरा ऊपर में कोई भी केस करेगा तो लड़का का ऊपर में पुलिस केस डाल दो। मेरा ऊपर में कोई भ्रष्टाचार का केस कहीं पर एफआईआर होगा तो उसमें लड़का को पुलिस लाठी चार्ज करा दो। ये क्या, ये हमारा डेमोक्रेसी कंट्री नहीं है क्या? ये जो है ऑटोक्रेटिक कंट्री में होता है, ये डिक्टेटर स्टेट में डिक्टेटर कंट्री में ये होता है, जहाँ में गद्दाफी लुकता ना सदाम हुसैन लुकता है, ये कंट्री में ऐसे होता है। हमारा इंडिया जो है ये डेमोक्रेसी कंट्री है, हम सबका अधिकार दिया है, फंडामेंटल राइट दिया गया है, अपना राइट दिया गया है। और चीफ मिनिस्टर भी क्या होना चाहिए, उसका भी रूल बना के दिया है, प्रेसिडेंट का भी रूल बना के दिया है, प्राइम मिनिस्टर के भी रूल बना के दिया है, ऑफिसर्स को भी रूल बना के दिया, उस रूल को उल्लंघन नहीं कर सकता है। अगर हाँ हम मान सकता है, अगर वो इस्तीफा देने से मैंने ऑन मोरल ग्राउंड वो ग्रहण करना चाहिए, वो देश उसको ग्रहण करना चाहिए, और अपना अगर हिम्मत है तो वो भी कहने का हिम्मत होना चाहिए, हाँ ये मैंने गलती किया बोल के अपना गलती को भी स्वीकार करने का हिम्मत होना चाहिए, तब उसको पब्लिक माफ़ करेगा। आप भ्रष्टाचार करते रहेगा, पब्लिक पैसा को आप मिसयूज करते रहेगा, गवर्नमेंट एक्सचेकर को आप तिजोरी को खाली करते रहेगा, और जो भी केस देगा उसको पुलिस का सिडिशन एक्ट लगा के जेल में डाल देता, वो ऐसा सरकार हमारा अरुणाचल में नहीं चलेगा। और बीजेपी जो है, बीजेपी सरकार जो ने नरेंद्र मोदी का सरकार जो ट्रांसपेरेंसी क्लीन इमेज सरकार होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, डेवलपमेंट भी ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। ये कहाँ में ट्रांसपेरेंसी हुआ है आज तक? एक पब्लिक को अपॉइंटमेंट दिया कांग्रेस सरकार समय में, इवन उसका लेट दर्जी खांडू ने भी पब्लिक को अपॉइंटमेंट देता था, पब्लिक दरबार था, आज दरबार भी क्लोज हो गया। और जिस मुख्यमंत्री में ने उसमें सुसाइड हुआ है, लेट काली को पोल ने उसमें मर गया, उस बिल्डिंग तक वो सरकार ने अभी तक यूज में नहीं लाया, और सरकार का मंत्री का बावन को तोड़ के मुख्यमंत्री का पीर बिल्डिंग बना रहा है, ये सरकार लॉस नहीं है क्या? ये पब्लिक पैसा लॉस नहीं है क्या? ये ऐसा है, ये देश ऐसे चल रहा है, ये अरुणाचल ऐसे चल रहा है। और बीजेपी अथॉरिटी तो उसको देखना चाहिए, पब्लिक ने आपको मैंडेट दिया है, पब्लिक मैंडेट दिया है, नरेंद्र मोदी का नाम से पब्लिक ने वोट दिया, पेमा खांडू का नाम से वोट नहीं दिया, ये भी याद कर लीजिए। नरेंद्र मोदी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसका रेस्पेक्ट से उसका लीडरशिप को वोट दिया है, पेमा खांडू को सपोर्ट करके नहीं दिया है, ये है बात जो।